क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आपका स्वागत है एक और वीडियो फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर। और ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है आप लोगों को। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं है, सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप लोगों को वीडियोज मिलते रहे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा चैलेंज कर रहा हूं कैसे करके पूरा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना है, उसको कैसे सक्सेसफुल करना है, और मैं सब कुछ इस चैनल के ऊपर कवर करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं कि हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स को लेके, और ये पूरा चैलेंज का अपना पार्ट है। तो ये करने के काफ़ी सारे तरीके हैं और काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने में हेल्प करेंगे। और आपको पता है ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें पता आपको इन्वेंट्री रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप आराम से पूरा अपना बिजनेस चला सकते हैं बिना इन्वेंट्री रख के। आप बस अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करेंगे। तो पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है तो वो मैं आपको इस वीडियो के ऊपर बताने वाला हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च वाला वीडियो मेरा नहीं देखा, वो इस वीडियो से दो वीडियोस पुराना वाला पब्लिश्ड है, वो उसके अंदर मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। 97% के आसपास सेलर फीडबैक होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 4.7% रेटिंग होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, और मिनिमम 100 ऑर्डर्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट की। लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट है जो अभी बिकना शुरू है, मान लो 4 दिन पहले, और वो अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट भी 4 दिन पहले पब्लिश हुआ है, मान लो उसके 100 ऑर्डर हैं, तो आपको उसके कोई रिव्यूज नहीं मिलेंगे, यानी 4.7 की प्रोडक्ट रेटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर ही नहीं होगा किसी को, क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन पहले बिकना शुरू हुआ है। तो इस चीज़ का थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि मिनिमम 100 ऑर्डर्स होने चाहिए उसके, और बट सेलर फीडबैक 97% से ऊपर है तो वैसे ही बंदा थोड़ा ठीक रहता है। तो मास्टर शीट अब जब आप बनाओगे तो आप मिनिमम 15 प्रोडक्ट अपने रखो मास्टर शीट के ऊपर जो आप ऐड करोगे अपने स्टोर के ऊपर। लेकिन जब तक आपके वो 15 प्रोडक्ट की शीट नहीं बन जाती तब तक आप प्रोडक्ट्स ऐड करना ना शुरू करो। मैं आपको डेमो के लिए अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी 15 प्रोडक्ट अभी तक चूज नहीं किया मैं, लेकिन आपको डेमो दिखाना चाहता हूं, इसकी वजह से मैं आपको पूरा अभी दिखाऊंगा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करके ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन जब आप करोगे तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाओ, 15 प्रोडक्ट चूज करो, उसको मास्टर शीट के ऊपर डालो और फिर प्रोडक्ट्स को ऐड करना शुरू करो, यानी फिर आप इस वीडियो के पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करोगे। अब ऑटोमेशन के बेनिफिट्स शॉपिफाई के काफी सारे हैं कि बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जो हेल्प करते हैं आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने में और उनको फुलफिल करने के लिए। और उन सारे टूल्स जो और जो ऐप्स हैं वो शॉपिफाई ऐप्स हैं, उनके क्रोम एक्सटेंशन भी आते हैं, यानी क्रोम ब्राउजर के ऊपर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, उस एक्सटेंशन के बलबूते आप सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं स्टोर के ऊपर। और क्या होता है, ये जो ऑर्डर फुलफिलमेंट करना है, मान लो आपके कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो आपको ऑर्डर फुलफिल तो करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट यानी आप ऑर्डर को आगे भेज रहे हो कस्टमर के पास, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट को भी करने के सेमी ऑटोमेटेड तरीके, यानी कुछ क्लिक 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 करोगे और पूरा ऑर्डर आपका फुलफिल हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो आपने इन्वेंट्री भी नहीं रखी, जब ऑर्डर आया तो वो आपने बस क्लिक दबाए और फुलफिल हो गया, क्या मजे वाली बात है ड्रॉप शिपिंग में। अब क्या क्या ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो, 3 ऐप्स होते हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ। सबसे पहले ओबेडलो जो कि फ्री है, जो आप यूज़ कर सकते हो अप टू 50 ऑर्डर्स पर मंथ, यानी 50 ऑर्डर पर मंथ तक आपके वो फ्री रहेगा। जब आप 50 ऑर्डर से ज्यादा करने लग जाओगे तो उनका पेड प्लान पे जाना पड़ता है। ड्रॉपिफाइड है जो डायरेक्टली पेड है, वो होता है शायद $47 पर मंथ के आसपास का प्लान है वो। और जीरो अप है एक और ऐप है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है और बट वो $1500 के आसपास है, बट वो भी मैं यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी यूज़ कर चुके हैं, वो भी काफ़ी सही ऐप है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ उसको भी। अगर आप बजट पे हैं तो आप ओबेडलो से शुरुआत करो, क्योंकि वो फ्री है तो उसमें कोई पैसे लगते नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे हैं आपके पास पूरा बिजनेस के ऊपर लगाने के लिए, तो ड्रॉपिफाइड या जीरो आप में से भी चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं ओबेडलो के ऊपर, क्योंकि वही एक टूल है जिसको लेके मैं शुरुआत करने वाला हूँ और फ्री साइनअप है, इसका कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप शॉपिफाई इसको ओन करते हो ओबेडलो को, तो उनका अच्छा इंटीग्रेशन है ओबेडलो और शॉपिफाई के बीच में। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, जब कोई मान लो आप ऑर्डर प्लेस करते हो ओबेडलो से अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो अगर आप ड्रॉपिफाइड या जीरो आप यूज़ करो तो आपको कैशबैक भी मिलता है, तो ओबेडलो में वो कैशबैक नहीं मिलता। तो कैशबैक होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है कैशबैक, मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन वो होता है कि कुछ 5 से 10% जितना आपने खर्चा अली एक्सप्रेस पे वो ऑर्डर खरीदने के लिए, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो आपको एज कैशबैक मिल जाता है। लेकिन आप ओबेडलो के फ्री प्लान पे हो वो आपको नहीं मिलने वाला, जब आप पेड प्लान पे ओबेडलो के या फिर ड्रॉपिफाइड या जीरो आप यूज़ करो तो ही वो मिलेगा। लेकिन वो अभी क्यों सोचना उसके बारे में, क्योंकि वो तो तब आएगा ना जब आपके ऑर्डर्स आएंगे और जब आप उनको एक्चुअली भेजने लग जाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, जब तक आप 5 ऑर्डर्स पर डे नहीं करने लग जाते तब तक आप जीरो या ड्रॉपिफाइड के बारे में ना सोचो। और इस चैलेंज को लेके मैं ओबेडलो के साथ ही शुरुआत करूंगा, और जब मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो फिर मैं ड्रॉपिफाइड के ऊपर आ जाऊंगा। और जनरली क्या होता है, मैं ड्रॉपिफाइड या जीरो से ही शुरुआत करता हूँ,
लेकिन क्योंकि हिंदी चैनल है, बजट है, इंडिया में कर रहे हैं हम सब कुछ, तो हम एकदम बजट कॉन्शियस रहेंगे, हम ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते जहाँ पर नहीं खर्चने की ज़रूरत। बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ देखो, क्योंकि अगर मैं शुरुआत करता अपना स्टोर तो मैं ड्रॉपीफाइड से शुरू करता या फिर जीरो से शुरू करता, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, बट कई लोगों के अंदर नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को दिखाऊँ वो ओबेरलो वाला जो तरीका होता है। तो जो ट्रांजिशन प्रोसेस रहेगा ओबेरलो से जीरो अप या फिर ड्रॉपीफाइड, वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा जब मेरे भी 5 ऑर्डर्स पर डे से ज़्यादा आने लग जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ओबेरलो के साइनअप को लेकर। तो ओबेरलो पे साइनअप करने के लिए सबसे पहले ऐप्स पे जाइए आप, और ऐप्स के अंदर जाने के बाद आप विजिट शॉपिफाई ऐप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिफाई के ऐप स्टोर के अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको बस सिंपल सर्च करना है ओबेरलो। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ओबेरलो, और इसके बेसिस पे मेरे को ओबेरलो दिख गया। यहाँ पे 4.7 रेटिंग है इसकी, इसको मैं ऐड ऐप कर दूंगा। अब यहाँ से ये बोल देगा कि ये ओबेरलो को परमिशन हमें ग्रांट करना है, तो हम इंस्टॉल ऐप कर देंगे और ये ओबेरलो मैनेज भी ऑर्डर्स करेगा, प्रोडक्ट्स भी मैनेज करेगा। तो फिर ओबेरलो के पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया अपने शॉपिफाई स्टोर का, तो अब ओबेरलो अपना काम शुरू कर सकता है। तो अब हम आते हैं जो अब ओबेरलो के अंदर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है ओबेरलो का। तो ये आपका सिंपल था साइनअप प्रोसेस, कुछ क्लिक्स लगे और आपका ओबेरलो अकाउंट शुरू हो चुका है। अगर आप अपने ऐप्स वाले पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर ओबेरलो भी दिख जाएगा। ये देखो ओबेरलो भी आ गया यहाँ पर। और आपको कभी फ्यूचर में अगर ओबेरलो खोलना है, सिंपल आपको ऐप्स के अंदर जाके ओबेरलो पर क्लिक करना है, तो आप अपने ओबेरलो वाले डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं ओबेरलो की कॉन्फ़िगरेशन को लेके, क्योंकि यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कॉन्फ़िगर करना ओबेरलो को, उसकी सेटिंग्स के साथ खेलना। तो ओबेरलो का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। ये बॉटम लेफ्ट पे आपको सेटिंग्स दिख रही होंगी, यहाँ पर आना है स्टोर नेम वाउ स्टैम्प आ गया, सेट न्यू प्रोडक्ट्स एज पब्लिश्ड आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा प्रोडक्ट्स। इसको मैं अनचेक करता हूँ अभी के लिए। सेट प्रोडक्ट्स एज टैक्सेबल, इसको टैक्सेबल कर देता हूँ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफाई कस्टमर्स अबाउट ऑर्डर फुलफिलमेंट कर सकते हो जब ट्रैकिंग नंबर अपडेट हो जाएगा। कस्टम ट्रैकिंग यूआरएल की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर सेट क्वांटिटी टू जीरो कर देंगे हम यहाँ पे। जब वेरिएंट नो लॉन्गर अवेलेबल होगा सेट क्वांटिटी टू जीरो कर देंगे। व्हेन द कॉस्ट चेंजेस तो फिर हम कुछ नहीं करने वाले। व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस बस नोटिफाई में ही कर देंगे। व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस तो फिर अभी तक के लिए कुछ नहीं करने वाले। तो अब हम इसको सेव करने वाले सेटिंग्स को। अब हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स पे आते हैं। ग्लोबल प्राइसिंग रूल्स पे आप एक मल्टीप्लायर सेट कर सकते हो, यानी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा अली एक्सप्रेस के ऊपर उसका कितना मल्टीप्लायर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट प्राइस। इसको हम 2.5 टाइम्स कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और कंपेयर्ड प्राइस रहेगा अपना 5 टाइम्स। और हम क्या करेंगे, असाइन सेंड्स करेंगे हम सबको 0.99 तक कर देंगे। कंपेयर एट प्राइस वाला 0.99 पे कर देंगे। कंपेयर एट 0.00 नहीं 0.99। तो कंपेयर्ड प्राइस एक ऐसी चीज़ होती है कि आप दिखा सकते हो डिस्काउंट कितना आ रहा है आपके स्टोर के ऊपर। जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट है $10 का, लेकिन आप कंपेयर्ड प्राइस कर सकते हो उसका $20 का, तो लोगों को वो $20 कट के सिर्फ दिखाएगा $10। तो इसको हम सेव सेटिंग्स कर देते हैं। अच्छा, इसको सेंट्स को 0.99 की जगह 99 करना है। सेव सेटिंग्स कर देंगे। मैं ओबेरलो के साथ ज़्यादा खेला नहीं हूँ, पहली बार मैं एक्चुअली ओबेरलो को ढंग से यूज़ करने वाला हूँ, तो फिर मैं भी इसको लेके खेलने वाला हूँ आप लोगों के सामने, आपको दिखेगा सब कुछ। तो एक तो हम ओबेरलो अगर हम अपना पेमेंट कार्ड यहाँ पर ऐड करें तो फिर हम यहाँ पर ओबेरलो सप्लायर और अगर कोई वेरीफाइड सप्लायर है तो ओबेरलो के थ्रू ही वो ऑर्डर प्लेस हो सकता है। अगर हम अली एक्सप्रेस के साथ करें तो फिर हम डिफ़ॉल्ट शिपिंग मेथड कर सकते हैं, ई पैकेट, ओवरराइड फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर हम डाल सकते हैं, और यह कस्टम नोट आ जाता है हर ऑर्डर में, आई एम ड्रॉप शिपिंग, प्लीज़ डू नॉट पुट एनी इन्वॉइसेज और योर ब्रांड नेम इन द लोगो, प्लीज़ शिप एज पॉसिबल फॉर रिपीट बिजनेस, थैंक यू। बस ठीक है, ये आ गया, इसको सेव सेटिंग्स कर देते हैं। तो ये सिंपल अपनी चीज़ होगी है, बट आपने यहाँ पर देखा है क्रोम एक्सटेंशन, इसके ऊपर मैं आगे जाके आने वाला हूँ। अब हम आते हैं रिपोर्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिलिंग के ऊपर भी अभी के लिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदर पे अगर हम आते हैं, अभी हमारा लॉस एंजलिस वाला टाइम है, रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस ये वाला रहेगा। इसको मैं वो कर लेता हूँ support@wowstamp.com। बस ये हो गया, इसको मैं सेव सेटिंग्स कर देता हूँ। बस यहाँ पर मेरे सेटिंग्स सारी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं ओबेरलो के क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। ओबेरलो क्रोम एक्सटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप क्रोम में के ऊपर इंस्टॉल करोगे तो बस आप उसके थ्रू अपने सारे ऑर्डर फुलफिलमेंट भी और ऑर्डर प्रोडक्ट्स को ऐड करने का भी पूरा काम वो काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर देता है। आपको ओबेरलो क्रोम एक्सटेंशन गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर करके खुल जाएगा वो, और फिर उसके बाद आप chrome.google.com के इस लिंक पे जाओगे। यहाँ पर आप ओबेरलो क्रोम एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर दोगे, ऐड एक्सटेंशन हो गया, और बस अपना यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर ये आ जाएगा। तो ये जो आइकन है ये आपका ओबेरलो क्रोम एक्सटेंशन का आइकन आ चुका है।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करके आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं अली एक्सप्रेस के साथ, और वो क्रोम एक्सटेंशन जो अभी हमने इंस्टॉल किया उसको, उसके बलबूते हम पूरा इंपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने परफेक्ट ब्राउ पेन करके एक चीज़ जो काफ़ी हॉट प्रोडक्ट रह चुका है कई लोगों के लिए, तो ये वाला मैंने अभी अली एक्सप्रेस के ऊपर सर्च किया है। अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है तो इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, इसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी हैं, ये 97.2% इसकी रेटिंग है, इस प्रोडक्ट की 4.8 रेटिंग है, इसकी काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ तो आप देख रहे हो 12 दिसंबर जिस दिन मैं रिकॉर्ड किया, तो इसके काफ़ी ऑर्डर्स पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी जगह से आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट मेरे को ठीक लग रहा है। तो अगर मुझे इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेरे को ओबेडलो के ऊपर जाना है, ये देख रहे हो आप ब्लू कलर का हो चुका है अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्टर, इस एक्सटेंशन पर क्लिक करूंगा, एड टू इम्पोर्ट लिस्ट करूंगा। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मर्चेंट टर्म्स ऑफ सर्विस, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल वाया इम्पोर्ट। तो फिर ये वाला तो हम वैसे ही नहीं कर सकते, कई सारे प्रोडक्ट्स में मेरे ख्याल ये वाला इशू भी आने लग गया ओबेडलो के साथ, ड्रॉपीफाइड ये सब इश्यूज नहीं दिखाता, लेकिन अभी चलो ये वाला प्रोडक्ट ऐड करते हैं, देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट चलता है कि नहीं। ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, प्रोडक्ट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, तो ये वाला हो चुका है, तो इसके भी 4.7 की रेटिंग है, इसकी भी 97.1% आपका पॉजिटिव फीडबैक है। और क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को अब इंपोर्ट कर लिया है तो अब मैं ओबेडलो के ऊपर जाऊंगा इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर, और ये मेरे को दिखा देगा जो मेरा इंपोर्ट लिस्ट है, और यहाँ पर वो प्रोडक्ट जो भी मैंने ऐड किया वो आपको दिखने वाला है। जैसे देख रहे हो ये वाला इंपोर्ट हो गया, अगर मैं ऐसे करके 15 प्रोडक्ट करूंगा तो इस पूरी लिस्ट के अंदर वो 15 के 15 प्रोडक्ट मेरे इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को लेकर, इसका ओरिजिनल टाइटल है, इसका डिस्क्रिप्शन भी है, इसका वेरियंट्स भी हैं, इसके इमेजेस भी हैं। अब इसके अंदर आप काफ़ी कुछ कर सकते हो चेंज, सबसे पहले तो आप देखोगे अगर हम इमेजेस के ऊपर आए तो इसमें कौन कौन से इमेजेस हमें रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं। तो ये मेरे को जैसे ये वाला जो तीन इमेजेस हैं इसको नहीं रखना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये इमेजेस इसे सब कुछ रख सकते हैं, ये वाले इसमें सारे तीन कलर भी आ रहे हैं, ये वाला भी ठीक लग रहा है मुझे, बाकी ये वाला हटा देता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इमेज। तो ऐसे करके आपको इमेजेस चूज़ करने हैं कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, ये वाला रख लेते हैं। तो हमारे पास तीनों वेरियंट जो है अपने चेस्टनट, ब्राउन और डार्क ग्रे, उनके भी इमेजेस आ गए, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के भी 3-4 इमेजेस आ चुके हैं जो दिखा रहे हैं प्रोडक्ट को कैसे करके चलता है, तो बस अपना सारा अब सेट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ये चेंज करने वाला है क्योंकि ऐसे टाइप का डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप बेच नहीं पाओगे। अगर हम वेरिएंट्स के ऊपर जाएं, यहाँ पर आपको तीनों वेरिएंट्स दिख जाएंगे, इसका एसके ऑटोमेटिक डल चुका है, कलर ऑटोमेटिक डल चुका है, ब्राउन, डार्क ग्रे और चेस्टनट, इसका कॉस्ट अपना ये है, शिपिंग यूनाइटेड स्टेट्स फ्री है। अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करूंगा फ्री शिपिंग, इसको ई पैकेट करूंगा, तो ये 4.03 का अपना टोटल कॉस्ट पड़ रहा है इंक्लूडिंग ई पैकेट। तो अपनी जो प्राइसिंग होगी वो इसके बेसिस पे होगी, वो सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस के बेसिस पे नहीं होगी, ई पैकेट से जितना कॉस्ट है उसके बेसिस पे अपना कॉस्टिंग लगाएंगे हम। तो $4 अगर अपना खर्चा हो रहा है तो हम कम से कम नहीं तो इसको $12-13 का तो बेच सकते हैं, क्योंकि 4 का अगर आप 2.5 टाइम्स अगर करो तो वो कुछ $10-11 आते हैं, तो हम $12-13 का भी बेच सकते हैं, हम $10 का भी बेच सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको मान लो $10.99 कर देते हैं, ठीक है, $11 का बेचते हैं इसको, तो $10.99 हो गया। कंपेयरेड प्राइस को हम कर देंगे इसका, ये 11 हुआ, 11 का डबल होता है 22, यानी हम इसको $21.99 कर देंगे कंपेयरेड प्राइस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये इसने अपना प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट कर दिया, इन्वेंट्री यहाँ पर बता दिया इसने, ये तीनों हम रखना चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रीवेंट प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम ऑटो अपडेटिंग, इसको ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको टाइटल चेंज करना है। अब टाइटल चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले इसका रखूँगा टाइटल, हमें कोई ऐसे टाइप का रखना है जिसमें अपने मेन कीवर्ड्स आ रहे, जैसे माइक्रो ब्लेडिंग, आईब्रो, टैटू, पेन, लिक्विड आईब्रो पेंसिल, वाटरप्रूफ ब्रॉ पेन, ठीक है, आईब्रो पेन नहीं है, स्मज प्रूफ है, माइक्रो ब्लेडिंग। तो हम सबसे पहले माइक्रो ब्लेडिंग रखते हैं, आईब्रो रखते हैं और पेन रखते हैं, बस सिंपल हो गया, माइक्रो ब्लेडिंग, आईब्रो पेन। अब इसमें हमारा कोई कलेक्शन है नहीं, लेकिन हम बाद में शॉपिफाई के अंदर कलेक्शंस बना के उनको बाद में सॉर्ट कर सकते हैं, अभी के लिए किसी कलेक्शन में नहीं डालते। प्रोडक्ट का टाइप अभी तक कुछ है नहीं, लेकिन हम इसमें लिख सकते हैं मेकअप टूल्स करके कोई चीज़ है, मेकअप टूल्स लिख देते हैं और बस ये आ चुका अपना। टैग्स अगर रखना चाहते हैं हम रख लेते हैं माइक्रो ब्लेडिंग, हम कॉमा लगा के फिर उसके बाद लगते हैं आईब्रो पेन, फिर कॉमा लगा लेते हैं माइक्रो ब्लेडिंग विद स्पेसेस रख लेते हैं, कोई तीन ऐसे कोई रैंडम कीवर्ड्स आप डाल दो, थोड़ा आपका एसईओ में भी हेल्प होता है। तो बस ये हो गया, मोर एक्शंस के अंदर आप जाओगे तो फिर यहाँ पर आप स्प्लिट कर सकते हो प्रोडक्ट को, यानी डिफरेंट वेरियंट्स में आप प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हो यहाँ से। लेकिन हम क्या करने वाले, इम्पोर्ट टू स्टोर करने वाले, सिंपल। तो इम्पोर्ट टू स्टोर जब मैंने दबा दिया तो ये दिखाएगा कि इट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड।
अब यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है, अब मैं क्लिक कर सकता हूँ एडिट प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई। यहाँ पर मैं एक्चुअली अपना सारा मेन जो चेंजेस है उनको करना शुरू करूँगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा कि ये प्रोडक्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कहीं पर नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा कि टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन, इसके इमेजेस, ये सारा कुछ आ चुका है। अब जो चीज़ है ना, यहाँ पर पब्लिश करने से पहले कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा से बनाना है। मैं अगले वीडियो के ऊपर आपका आऊँगा जहाँ मैं पूरा डिस्क्रिप्शन को लेके बात करूँगा। अभी के लिए मैं इसी को छोड़ता हूँ क्योंकि मैं को डेमो करके दिखाना है आपको। लेकिन अगर आप इसका वो करना चाहते हैं, मतलब पब्लिश करने से पहले रिकमेंडेड आप डिस्क्रिप्शन पूरा चेंज करो, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करने से पहले भी आपको मैनेज करके इसको ऑनलाइन स्टोर तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप देख रहे हो हर वेरिएंट का कोई इमेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं ब्राउन को क्लिक करूंगा इमेज के ऊपर। यहाँ पर मैं देखता हूँ ये वाले अपना ब्राउन, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो फिर मैंने इस वेरिएंट का इमेज सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं डार्क ग्रे के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं डार्क ग्रे वाला वेरिएंट सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं जाऊंगा चेस्टनट के ऊपर, चेस्टनट में मैं चेस्टनट वाला सिलेक्ट कर लूंगा, और बस ये अपना हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला इमेज रिपीट हो रहा है तो ये वाला इमेज मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये पहले भी मतलब मेन इमेज भी ये है। और फिर उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर देंगे, ड्रैग ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, और बस ये आपका हो चुका। अगर कोई इमेज यहाँ पर मिस हो रहा है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं अपने वापस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी अगर आप माय प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे ओबेडलो के अंदर, यहाँ पर जैसे ये वाला दिख रहा है मुझे, तो मेरे को अली एक्सप्रेस लिंक पे पहुँचा दिया इसने। अब मेरे को दिख सकता है कोई इमेज अगर मिसिंग है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर जाऊँ तो जैसे मुझे ये वाला इमेज नहीं मिला जिसमें ये तीनों थे, तो मैं इसको सेव इमेज एज कर दूंगा। यहाँ पे इसको सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लो इमेज खुल रहा है कि नहीं। जैसे ये आ रहा है कि कई बार आता है कि दिस फाइल इज़ डैमेज्ड, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, या पेंट के थ्रू भी ले सकते हो। मेरे मैक के ऊपर स्क्रीनशॉट यूटिलिटी टूल वैसे ही बिल्ट इन होता है, तो मैं उसके थ्रू भी ले सकता हूँ। तो ये मैंने इमेज का ले लिया स्क्रीनशॉट। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो भी आप करते हैं इमेज को स्क्रीनशॉट लेके, तो उसका जनरली फाइल साइज ना काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं इमेज को। तो हम सबसे पहले कंप्रेस इमेज सर्च करेंगे, पीएनजी इमेजेस पे जाते हैं क्योंकि मेरा पीएनजी इमेज सेव होता है। तो इस पेज पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा अपने कंप्यूटर से ये वाला इमेज, और मैं अपलोड करूँगा ये वाला इमेज। तो पहले वाला हटा देता हूँ, ये वाला मुझे कंप्रेस करना है। ये अभी अपलोड हो रहा है, एक बार अपलोड हो जाएगा फिर वो कंप्रेस करके मुझे दे देगा। जब तक वो हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना फोर हेड लिखा हो रहा है, तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर अली एक्सप्रेस का स्टोर का नाम कई बार लिखा होता है ना, वो अपन को नहीं चाहिए, ऐसे टाइप का अच्छा नहीं लगता देखने में, क्योंकि प्रोफेशनल होने चाहिए इमेजेस। तो एडिट इमेज कर सकते हो शॉपिफाई के अंदर ही। यहाँ पर जब एडिट करोगे तो आप इसको इरेज कर सकते हो। करने के लिए ड्रॉ पे जाओगे, ड्रॉ पे जाके आप कलर पिकर पे जाओ, वाइट करो इसको। सबसे पहले इरेजर पे जाओ, फिर कलर पिकर पे जाओ, इसको वाइट करो। तो ये वाइट आ चुका है। अब क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है, तो ये देखो ये वाइट बैकग्राउंड ने ये पूरा का पूरा ऐसे करके, मैं इसको हटा सकता हूँ, और ये वाला पूरा हो चुका है ख़त्म। ठीक है, तो ये अपना हट चुका है यहाँ पर, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है वो वाला इमेज। अब अप्लाई कर दिया, सेव कर दिया। तो जब हम सेव करेंगे शॉपिफाई ऑटोमेटिकली ये जो हमने एडिट किया ये वाला इमेज सेव कर देगा अपने स्टोर के ऊपर, और वो जो स्टोर का नाम था फोर हेड जो लिखा हो रहा था वो वाला पूरा गायब हो जाएगा। अब हम वापस यहाँ पर जाते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। इसने काफ़ी कंप्रेस कर दिया इमेज को, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ अपने यहाँ पे, तो ऐड इमेजेस करूँगा, अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड में वो वाला इमेज दिख जाएगा। अब वेरिएंट्स को लेके खेलने के कई सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लो प्राइसिंग गलत है या फिर कंपेयर्ड प्राइस अपने गलत डाला है, तो वो कैसे एडिट करना होता है। तो वो करने के लिए आप सिलेक्ट ऑल करोगे, आप एडिट वेरिएंट्स पे जाओगे। अब वेरिएंट्स के ऊपर सारे आ गए, एसकेओ के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। प्राइस और कंपेयर्ड प्राइस यहाँ से एडिट कर सकते हो। मान लो अब अपन को 10.99 के जगह 11.99 का बेचना है, तो इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है, 21.99 के जगह 23.99 का बेचना है, इसको भी कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ऐड फील्ड्स भी कर सकते हैं। मान लो वेट यहाँ पर दिखाता है, तो वेट 0.0 LB दिखा रहा है, तो फ्री शिपिंग होगी, रिक्वायर्ड शिपिंग। आप काफ़ी सारे फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएंट्स को एक साथ ही एडिट कर सकते हैं।
तो एक बार ये सारे चेंजेस हो गए हैं, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर वापस, और उसके बाद आप व्यू कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए कि कैसे करके वो दिखता है प्रोडक्ट। और एक बार आपने व्यू कर लिया तो आपको दिखेंगे सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, सब इमेजेस आ चुके हैं, सारा का सारा प्रोडक्ट आ चुका है यहाँ पे अपने स्टोर के ऊपर। आप खुश हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, फिर आप जाइए अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर और सेव दबा दीजिए, और इसी से आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा पब्लिश हो जाएगा। बस ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, लेकिन कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है कि माइंडसेट, बिजनेस मॉडल और कैसे करके स्टोर सेटअप करना है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी फ्री में कवर कर चुका हूँ फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। तो आप सबसे पहले वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मेरे पुराने सारे के सारे वीडियोज़ देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब तो पक्का करिए करिए। और अगर आप एडवर्टाइजिंग और बाकी सब चीज़ों के ऊपर पैसे खर्चना चाहते हैं आगे जाके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पुराने वीडियोज़ देखे हों, तो हाँ देख लीजिए वो जाके। और अगले वीडियो में आपको मिलूंगा जब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही बताएगा कैसे करके आपके सेल्स आएंगे, क्योंकि जब विजिटर्स आपके स्टोर के ऊपर आते हैं वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं, और अगर वो अच्छा नहीं हुआ यानी कुछ बुलेट पॉइंट्स ही रहे तो वो छोड़ के चले जाएंगे, खरीदेंगे भी नहीं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को नजरअंदाज ना करिए, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे करके वो बनाया जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि वो काफी डिटेल में समझाने वाला है। और अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।